मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को जिनके द्वारा जानकारी दी जा रही है। वह मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में एक आशा की किरण दिखाई दे रही है लोगों को। अमित शाह जी का बंगाल का दौरा हर मायने में अत्यधिक सफल रहा है। जो जनसैलाब उनकी सभा में उमड़ा, जो जनसैलाब उनकी रोड शो में आया, वो देखते ही बनता था। जो इस बात का द्योतक और परिचायक है कि जनता ने निर्ममता दीदी की विदाई तय कर दी है और भाजपा के आगमन के लिए पलक पांवड़े बिछा रही है। सर, मनी लॉन्ड्रिंग मामला, यूओडब्ल्यू क्या स्टेटस? सर, बाबा के नाम के आगे 25 लाख रुपए लिखा। देखो, मेरी आप सबसे एक प्रार्थना तो है, सम्मानित सभी मीडिया बंधुओं से, केस डायरी अलग चीज है, सीबीडीटी की रिपोर्ट और चुनाव आयोग की रिपोर्ट अलग चीज है। इन दोनों को न मिलाएं अथवा भ्रम पैदा हो जाता है। केस डायरी के बारे में हवाला से लेके अभी तक कई प्रकरण आ चुके हैं। केस डायरी जांच का विषय होती है, लेकिन सीबीडीटी जांच के बाद का विषय होती है। चुनाव आयोग का निर्देश जांच के बाद का विषय होता है। जो नाम जांच के बाद आए हैं, चुनाव आयोग ने भेजे हैं, उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि कानून अपना काम करेगा, कोई भी कितना भी बड़ा हो नहीं बचेगा। कार्रवाई प्रचलन में है, जल्दी ही आपके सामने तथ्य आ जाएंगे। वंशवाद से कांग्रेस हटी नहीं सकती है। दिल्ली से लेके भोपाल तक वंशवाद ही चल रहा है। इस हफ्ते के दो परिणाम आए, एक दिल्ली का, एक भोपाल का, दोनों में वंशवाद हावी है। भूरिया जी के चिरंजीव, यहाँ भूरिया, वहां आदरणीय सोनिया। सर, एमपी कांग्रेस, विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र है और इसमें सभी जनहित के मुद्दे प्रश्नकाल के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से आएंगे। सर्वदलीय बैठक माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी संभवतः इतवार को बुलाएं, ये उनके विवेक पर है, लेकिन अभी तक सभी की उपस्थिति होगी ऐसा विचार है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाना है, 12,000 कैमरे। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश होगा उसका अक्षर से पालन करेंगे। सर, डीएसपी ने जो प्रोजेक्ट तैयार किया, 12,000 कैमरे हर थाने में लगेंगे, 1,017 थाने। सुप्रीम कोर्ट के हर निर्देश का पालन होगा। कांग्रेस में बुंदेलखंड से नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग उठी है, बहुत सारे नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा है कि बुंदेलखंड से बनना चाहिए और बृजेंद्र सिंह राठौर को कहा जा रहा है। मांग तो उठती रहती है कांग्रेस के अंदर। अब प्रश्न ये है कि बनता कौन है, ये उनका आंतरिक मामला है, किसी को भी बनाए। लेकिन आपका बनाने के पूछने से एक बात तय है कि माननीय कमलनाथ जी की विदाई हो रही है। बनाने की बात आप तब करिए जब विदाई हो जाए। और जैसी सीबीडीटी की रिपोर्ट, अप्राइजल रिपोर्ट और चुनाव आयोग का निर्देश आया है, उससे तो लगता है कि विदाई है। जब मैं कहता था कि परिणाम आने के बाद चार्टर आएगा, ले जाएगा, आप मानते नहीं थे। कभी तो मानो हमारी। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 का जो ऋण था वो मुक्त करने जा रही सरकार, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही उस लॉकडाउन के पीरियड की योजना है, जब वास्तव में हमारे ठेले वाले, खोमचे वाले, सब्जी वाले, रेड़े वाले, ये बहुत प्रभावित हुए थे।
और ये मानवीय दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी ही उठाती है। गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान की और महिलाओं के सम्मान की अगर सर्वाधिक चिंता कोई दल करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है और अमल में लाती है। बाकी के लोग तो बातें करते हैं, जैसी आपने सुनी होंगी, नौजवान को 4,000 रुपए महीने देने का कहा और किया कुछ नहीं।